is M. Rahman and you are attending Oreci classes of English language. Today we welcome you to our lecture 3 in which we have a topic interchange of sentences. And in this Hindi version lecture you will come to know how to change modal auxiliaries yani modal based sentences jo ki positive mein hai unko negative banane wale hain. और ये सेंटेंस असर्टिव हैं. अभी हम असर्टिव की पॉजिटिव फॉर्म को नेगेटिव में बदल रहे हैं. इसके बाद हम इंटरोगेटिव में बदलना सीखेंगे. तो देखते हैं मॉडल्स वाले सेंटेंसेस को नेगेटिव में कैसे बदलते हैं. ही कैन लर्न. तो जब हम कैन का नेगेटिव बनाते हैं तो हम एक बड़ी गलती ये करते हैं कि हम कैन के साथ नॉट के अंदर यहाँ पर गैप दे देते हैं. ही कैन नॉट लर्न. तो ये एक गलती है. आपको नॉट तो यहाँ पर लगाना है लेकिन इस नॉट को आपको जोड़कर चलना है और इतना डिस्टेंस की जरूरत नहीं है. तो आप सीधा सा कैन नॉट को एक वर्ड मानकर चलते हैं. एन और एन दोनों कनेक्ट रहते हैं बिल्कुल एक सेम वर्ड की तरह से, जैसे कि एक वर्ड के सारे लेटर्स आपस में जुड़े रहते हैं. तो आपको कैन नॉट के अंदर यहाँ पर गैप नहीं देना है. इसके बाद आता है ही ओट टू फॉलो ब्लाइंडली. तो यहाँ पर ऑट वहां पर यूज करते हैं जहां पर मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिकता की बात आए. हो सकता है कि यहाँ पर किसी को अंधेपन से हमें फॉलो नहीं करने दिए जाने वाला सेंटेंस है. तो हम इस तरह के मॉडल्स में जिसमें मॉडल के साथ टू को हम ऐड करके देखते हैं तो हमें नॉट कहाँ पर डालना है हमें ये सीखना होगा. तो जो आपका पहला पार्ट है वो ऑट हो सकता है, यूज हो सकता है, के बाद आपको नॉट या नेवर वगैरह आपको डालना होता है. और ऑलवेज होगा तो आप यहाँ पर नेवर करेंगे. और अगर आपका ये प्लेन है कोई ऑलवेज जैसी इंटेंसिटी का एडवर्ब नहीं है तो आप यहाँ पर ही ऑट नॉट टू यानी आपको ऑट और टू के बीच में नॉट लगा करके पूरा सेंटेंस कॉपी कर देना है. फॉलो ब्लाइंडली. इसके बाद है ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट. अब यूज को अगर हम डिड नॉट यूज करते हैं तो ये मॉडल हुआ नहीं. यूज्ड अपने आप में एक मॉडल है. तो इस मॉडल का आप किस तरह से यूज करते हैं. ही यूज्ड हो सकता है ये आपको देखने समझने बोलने में अनयूजुअल लगे बट इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ही यूज्ड नॉट टू. मॉडल्स जितनी भी होती है जैसे हमने ऑट का यूज किया उसके बाद टू का यूज किया तो आपको क्या होता है कि यूज्ड को एज ए मॉडल यूज किया तो डिड लगाने की जरूरत नहीं है. तो आगे आ जाएगा प्ले क्रिकेट. इसके बाद आपका जो अगला सॉल्यूशन है दे मस्ट हैव डन इट. तो यहाँ पर ये जो हैव है ये मस्ट मॉडल का पास्ट फॉर्म है. उन्हें ये कर ही लेना चाहिए था. तो यहाँ पर दो आपके पार्ट्स आ गए मस्ट और हैव. तो हमने आपको बताया था जब भी कोई मॉडल एक से ज्यादा टुकड़ों में होती है मस्ट हैव बीन या विल हैव बीन तो हमेशा पहले वाले पार्ट के बाद आपको इसके अंदर नॉट प्लेस करना चाहिए. तो ये हो जाएगा आपका दे मस्ट नॉट, दे मस्ट नॉट हैव. तो मस्ट पहले वाले के बाद आपने नॉट लगाना है बाकी वर्ब के पास रहता है. इसके बाद है दे ऑट टू हैव डन इट. अब इसी तरह से जैसे कि मस्ट का पास था इसी तरह से ऑट का पास हो गया. इसके पास में टू के बाद हैव आता है तो आपका नोट कहां लगेगा पहले वाले पार्ट के बाद. तो क्या हो जाएगा दे ऑट नॉट टू हैव डन इट. इसके बाद आपका सेंटेंस है इट वुड हैव बीन डन. तो जितनी भी ये हैव दिखाने वाली मॉडल्स होती हैं उनमें हैव लगता है तो हैव के बाद बीन आता है. तो यहाँ पर तीन पार्ट्स हो गए आपके हेल्पिंग वर्ब के वुड हैव बीन. तो आपको पहले वाले पार्ट के बाद ही यहाँ पर क्या करना है नॉट लगाना है. तो आप लिखेंगे इट वुड नॉट यानी नॉट आप देख लीजिए जिसके बाद पहले वाले के बाद आपने लगाया है सारा सेंटेंस कॉपी कर देना है बीन डन देन. इसके बाद है ही नीड्स टू कम नाउ. इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि जो नीड है यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये मॉडल नहीं है. नीड और डेयर को हम सेमी मॉडल कहते हैं और सेमी मॉडल इसलिए कहते हैं
अगर नीड अफर्मेटिव में है और डेयर अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में नीड मेन वर्ब की तरह से काम करता है, नीड मॉडल की तरह काम करता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, इसी तरह से डेयर भी, तो इसलिए आधे में काम कर रहा है आधे में नहीं, इसलिए हम इसे सेमी मॉडल कहते हैं। अब जहां तक बात इस सेंटेंस के नेगेटिव बनाने की, तो आप इसे दो तरह से बना सकते हैं। एक तो आप ये बना सकते हैं ही डज नॉट नीड, क्योंकि डज नॉट इसलिए हम लगाएंगे does not इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर s दे रखा था, he does not need। अब जब हमने need को main verb मान लिया तो भाई आगे तो to लगना ही लगना है, he does not need to come now। लेकिन अगर आप इस need को इसके negative में इस तरह से use करें जैसे model हो, तो फिर आप लिखेंगे he need not। अब ये नीड क्या बन गया, मॉडल बन गया, यानी डज की जगह काम करने लगा, तो हम इसको मेन वर्ब बना देंगे और टू हटा दिया जाएगा, ही डज नॉट नीड कम नाउ। तो आपने क्या देखा कि अगर जब नीड हेल्पिंग वर्ब होता है तो फिर एस नहीं आता, और फिर जैसे डज के बाद नॉट आ जाता, नीड के बाद नॉट आता है, और फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है कम की और सेंटेंस कॉपी हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद सीखते हैं इससे आगे। डियर लर्नर्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि जनरल सेंटेंसेस है, जनरल सेंटेंसेस एग्जामिनेशन में बहुत बार आते हैं, तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको चेंज करने वाले हैं। अगर हमें वर्ब के साथ एस और ई एस दिया है तो हमेशा याद रखिए कि अगर ई एस लगा है तो ई एस लगाने में जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आप ई एस वाले में ई एस वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो हो जाएगा ही Does not go to school. He does not go to school. तो इसका नेगेटिव कैसे किया, कई बार हम ये भूल जाते हैं कि सिंगुलर में डज लगता है या प्लूरल में लगता है, हमेशा याद रखिए अगर आपकी वर्ब में ई एस लगा है तो इस ई एस को डू में लगा दो, ये ई एस यहाँ पर फिनिश हो गया तो ये फर्स्ट फॉर्म रह गई, इस तरह से आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब दूसरी हिट द स्ट्रेंजर, तो यहाँ पर she hit the stranger में क्या हुआ, hit आपकी first form भी है, hit आपकी second form भी है और hit third form भी है, तो अब आप कैसे पाएंगे कि ये first form है या second form? अगर ये second form है तो did not आएगा, अगर ये first form है तो do not आएगा, तो हम आपको एक पहचान बताने वाले हैं। अगर ये verb की first form है तो she की वजह से यहाँ पर s आना चाहिए था, s यहाँ पर लगा नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म मानी जानी चाहिए। शी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हिट आने पर यहाँ पर एस लगना जरूरी था क्योंकि शी सिंगुलर नंबर है, लेकिन यहाँ पर एस नहीं है, इसका मतलब आप इसे सेकंड कंसीडर कीजिए और आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो बनाएंगे शी डिड नॉट हिट द स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान दे लेना है, यहाँ पर बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर सिंगुलर है या प्लूरल, अगर सिंगुलर के साथ एस और एस नहीं आया तो आप यहाँ पर इसको सेकंड कंसीडर करके चलेंगे। अब हमारा वही रूल, दे विल हैव गॉन बिफोर, तो दे विल हैव गॉन और एक यह है द टीचर कम्स, तो अब इधर नेगेटिव बनाइए इधर नेगेटिव बनाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये याद रखना चाहिए कि जो आपका परफेक्ट टेंस बेस्ड पार्ट है आप उधर नेगेटिव बनाए, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, और दूसरे को आप छोड़ दें, दोनों को नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दे। अब यहाँ पर दो पार्ट्स हैं विल और हैव, तो आप पहले वाले पार्ट के बाद नॉट लगा दें, दे विल नॉट हैव गॉन बिफोर द टीचर comes। इसके बाद she is not being taught now, तो यहाँ पर ये passive voice है और passive voice में इसके बाद not, ये already आपका यहाँ पर जो है negative sentence लिख गया है, तो अगर हम affirmative में कहें she is being taught तो आपको जो not लगाना है वो पहले वाले part के बाद लगाना है, तो इस तरह से negative क्या बन जाएगा आपका, जो कि already ये negative में लिख गया था, she is not, इसके बाद नॉट और बीइंग, शी इज नॉट बीइंग टॉट नाउ। इसी तरह से अगर आप कोई फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस सोचते हैं और
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शी विल बी प्लेइंग, तो विल बी के बाद नॉट नहीं लगाना, पहले वाले पार्ट विल के बाद नॉट लगाना है, शी विल नॉट बी प्लेइंग। इसी तरह से शी विल हैव डन इट, तो विल हैव के बाद आपको यहां पर नॉट करना है, और नॉट के बाद आप क्या करेंगे, शी विल नॉट हैव डन इट। दे विल हैव बीन प्लेइंग वेल, तो अब आपके कितने पार्ट हो गए विल हैव बीन, तो आप पहले वाले पार्ट के बाद नॉट लगाएंगे और लिखेंगे दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग वेल। तो आपका पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बाद नॉट और नेवर का आप यूज करते हैं। यहाँ पर इन अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स में आप सीखेंगे कि कैसे हम इनको नेगेटिव में चेंज करते हैं। इन सम डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स में हमने यहाँ पर रखा है कंजंक्शन, तो जब भी आपको एज सून एज आ जाए तो एज सून एज को आप नो सूनर में बदलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर एज लगा है तो इसका हेल्पिंग वर्ब आपका आपको पहले ले लेना है। अगर यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो आप यहाँ पर डिड लेंगे, एस लगा है तो डज लेंगे, फर्स्ट फॉर्म में तो डू लेंगे, नो सूनर डज ही कम, और अब यहाँ से आपका एस हट गया क्योंकि डज आपने यहाँ पर लिया था। इसके बाद आपने देन लिखना है क्योंकि कॉम्पेरेटिव डिग्री में टी एच एन यूज होता है, टी एच ई एन नहीं, और ये लगाना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप एज इट इज आप कॉपी कर देते हैं, एवरीबडी लाफ्स। इसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस है अनलेस ही कम्स हाउ विल ही पास, तो यहाँ पर अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव में, इफ ही डज नॉट, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ डज नॉट, सॉरी अगर ये प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो यहाँ पर डज नॉट, अगर यहाँ पर एस लगा है तो डज नॉट, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट, और यहाँ पर अगर सेकेंड फॉर्म है तो डिड नॉट। तो यहाँ पर अब एस लगा है तो आप क्या लगाएंगे, आप लिखेंगे अनलेस का जो कॉम्बिनेशन है इफ प्लस नॉट, तो अनलेस की जगह इफ आ गया, ही की जगह ही आ गया, और जो कम्स है आपका इसकी जगह आपने लिखा डज नॉट, तो क्या हुआ, अनलेस की जगह इफ, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, और कम्स की जगह डज नॉट कम, और डज नॉट कम के बाद आपने सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर देना है। हाउ इसे साफ साफ लिख लीजिए, हाउ विल ही पास। अब आपको ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि बात का इंटरोगेटिव है, आपसे कहा गया कि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, तो इंटरोगेटिव है तो भी नेगेटिव में चला गया, और अगर असर्टिव है तो भी नेगेटिव में चला गया। नेगेटिव बनाते समय केवल आपसे कहा जाएगा कि आप नेगेटिव बनाइए। इसके बाद आपका तीसरा सेंटेंस है ही शुड कम अदरवाइज ही विल फेल, तो आप ऑपोजिट वर्ड्स का यूज करके भी नेगेटिव बना सकते हो, और आपका आंसर आएगा He should come otherwise he will not pass। तो इस तरह से आप opposite words का use करके भी negative sentence बना सकते हैं। इसी तरह से एक बार sentence आपका आता है कि he is too weak to pass, ये examination में आ चुका है। अगर आपसे कहे कि आप जो है इसका कॉम्प्लेक्स बनाएं या नेगेटिव बनाएं तो एक ही बात होगी, और इसका जो सॉल्यूशन आप बनाएंगे वह बनाएंगे पहले वाले टू की जगह आप लिखेंगे ही इज सो वीक, यानी सो आपने इस टू की जगह लिखा, उसके बाद आपने वीक लिखा, और इसके बाद जो टू पास है इसकी जगह आप ये सारा लिखोगे दैट, जो भी सब्जेक्ट यहाँ दे रखा था वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पर दैट ही कैन नॉट पास, That he cannot pass। तो अगर ये present है तो ये cannot आएगा, अगर यहाँ पर was होता तो आप could not लिखते। इसके बाद हमारा आता है principal verb। Principal verb में क्या करते हैं कि has, have, had absolute use करते हैं, यानी अकेले आते हैं। Generally हमारी helping verbs में have के साथ third form आता है तो हम have not plus third form करते हैं, लेकिन जब हमारा has, have अकेला आए तो आप क्या करते हैं, इसे बोलते हैं principal verb। तो इसका negative हो जाता है He has not a cup of tea। इसी तरह से अगर head हो तो आप head के आगे अकेले not लगा देते हैं,
He had not a pen yesterday. अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लें, जैसे कि हम ही गोज लिखते हैं और गो में एस और ई एस लग जाता है, इसी तरह से हैज में एस लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, तो आप इसका नेगेटिव इस तरह भी बना सकते हैं, ही डज नॉट हैव, क्योंकि अगर ये एस और ई एस वाली फॉर्म है तो डज नॉट लग गया और जो फर्स्ट फॉर्म होती हैज की वो हैव होती है। ही डज नॉट हैव अ कप ऑफ टी। इसके बाद इसी सेंटेंस को जो हमने हेड में बनाया आप बना सकते हैं, क्या ही डिड नॉट हैव अ पेन यस्टरडे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हमने हैड लिया इसको हमने सेकंड फॉर्म माना, सेकंड फॉर्म माना तो डिड नॉट पहले आ गया और हैड की फर्स्ट फॉर्म यहां पर हमने हैड को हैव में बदल दिया। हैड की फॉर्म्स आप ये समझ लीजिए हैव, हैड और हैड, तो हमने हैव फर्स्ट फॉर्म का यहां पर यूज कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये अफर्मेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव बदलना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगले इसी तरह के वीडियोस को जो कि सीरीज में आगे बढ़ेगी इंटरोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करने के लिए देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।